हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये वाली ड्रेस बनाना सीखेंगे। ये मेरे 6 और 7 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस है। ये मैंने बिना लेस के बनाई है, इस तरह से। यहाँ पर हमारी प्रेस लग जाएगी। इस तरह से हमारी ड्रेस बनके तैयार हो गई। इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। आज हम कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये वाला कपड़ा लिया है कि जो चौड़ाई मैंने 4.5 इंच ली है। लंबाई इसकी 36 इंच ली है। इसी की लंबाई चौड़ाई के बराबर मैंने ये अस्तर लिया है। ये मैंने चोली के लिए कपड़ा लिया है। इसकी जो है 3.5 इंच लंबाई है, 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है। इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर मैंने ये अस्तर लिया है। अब हम इसे सीधा रखेंगे। इस तरह से रख के इस तरह से हम तीनों साइड से सिलाई लगा लेंगे। मैं तीनों साइड से सिलाई लगा कर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने तीनों साइड से सिलाई लगा ली है और सीधा करके प्रेस लगा ली है। अब मैं यहाँ पर चारों साइड से एक सिलाई लगा लूँगी। इससे हमें यहाँ पर आसानी हो जाएगी प्लेट्स लगाने में। और ये चूली इस तरह से हम रखेंगे। गले की तरफ से हम ज़्यादा कटिंग करेंगे इस तरह से। और इसे रखें, इसे हम सी उल्टा रखेंगे इस तरह से। और मैं ये तीनों साइड से सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगा कर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसमें सिलाई लगा ली है चारों तरफ से इस तरह से। और ये मैंने चोली पर तीनों साइड से सिलाई लगा कर सीधा कर लिया और प्रेस लगा लिए। अब हमें इसकी 3 साइड से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर भी इसमें हम प्लेट्स लगाएंगे। प्लेट्स हम अपने कान्हा जी की कमर के बराबर लगाएंगे इस तरह से, जितनी हमारे कान्हा जी की कमर है। इस तरह से हम इसमें प्लेट्स डाल लेंगे। मैं प्लेट्स लगा कर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने इसमें प्लेट्स लगा ली हैं। छः इंच में डाली है मैंने ये प्लेट। यहाँ पे मैंने तीनों साइड से सिलाई लगा ली है। और ये मैंने नेफे के लिए कपड़ा लिया है। इसकी जो चौड़ाई 1.25 इंच ली है और इसकी लंबाई 1.8 इंच ली है। अब हम इसे यहाँ से पीछे की तरफ से इस तरह से रखेंगे। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा हम बाद में काट लेंगे। और ये मैंने डोरी के लिए कपड़ा लिया है। अब हम इसकी इस तरह से हम इसकी एक पट्टी बनाएंगे इस तरह से। और हम यहाँ पर बीचा बीच में आके इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। और इसे हम यहाँ पर रख के गले की तरफ इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। फिर यहाँ पर हम बांधने के लिए कर लेंगे। मैं सिलकर दिखाती हूँ। मैंने इस तरह से ये नेफा लगा लिया है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये फोल्ड इस तरह से करेंगे।
अब हम इसमें डोरी डालेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा कर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये मैंने चोली में ये डोरी लगा ली है इस तरह से। मैंने इस तरह से ये नई फॉर डोरी लगा के तैयार कर ली है। अब हम चोली इस तरह से फोल्ड करेंगे कि बीचा बीच में हम एक निशान लगाएंगे इस तरह से। अब घेरा में हम इस तरह से बीचा बीच में निशान लगाएंगे। इस तरह से हम अपनी चोली रखेंगे यहाँ पे और एक सिलाई लगा लेंगे। मैं एक सिलाई लगा कर आपको दिखाती हूँ। मैंने इस तरह से चोली अटैच कर ली है। अब हम अपने कान्हा जी को इस तरह से पहनाएंगे। ये हम पीछे गले की तरफ बांध देंगे इस तरह से। और ये हम अपने कान्हा जी की कमर में पहनाएंगे, बांध देंगे इस तरह से।